शीना को काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन क्या करें, शादी के बाद जैसे हर लड़की को काम करना पड़ता है, शीना के सर पर भी जिम्मेदारी थी। भाभी, आज नाश्ते में क्या है? तुम कुकर में आलू रख दो और माँ जी को बोलो नमक वाला आटा लगा दे, मैं आती हूँ तो आलू पूरी बना देती हूँ। ठीक है भाभी। खैर, किसी तरह शीना का काम चल ही रहा था कि एक रोज, अरे शीना, वो क्या है ना, ऑफिस में पार्टी है तो आज खाना मत देना। अरे वाह, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है, तो फिर मैं आज थोड़ा सो लेती हूँ। अरे मैंने कहा खाना मत देना, लेकिन नाश्ता तो दे दो। शीना अकल लगाती है और सामने गार्डन में चली जाती है। अरे ये पौधा कैसे मुरझाया जा रहा है? माँ जी, जरा नमक अजवाइन का पराठा और चाय ही दे दीजिए ना इनको, मैं जरा ये बगीचा ठीक कर लेती हूँ। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कोई ना, कर देती हूँ मैं। सास जाकर बेटे को चाय नाश्ता करा ही रही होती है कि शीना कमरे में आती है। हाँ, माँ जी के हाथ के पराठे की महक से पूरा घर महक उठा है। जरा एक दो मेरे लिए भी बना दीजिए ना, मैं भी अचार और चाय से खा लेती हूँ। ठीक है बहू, तू बगीचे में थक गई होगी, जा हाथ धोले नहाले, मैं पराठे बना दूंगी। शीना कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन काम की चर्चा वो खूब करती। एक दिन पड़ोसन, अरे सरला चाची, बहू के आ जाने के बाद से तो आप और बिजी हो गई, अब तो मोहल्ले की पार्टी में भी नहीं दिखती हो। क्या बताऊं, सच्ची समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी बिजी कैसे हो गई। तभी बहू चाय लेकर आती है। नमस्ते चाची, क्या हाल है? चाची को देखे तो जमाना हो गया है, कहाँ रहती हो चाची? तेरी सास ही ईद का चांद हो गई है, तो बस मैंने सोचा कि मैं ही मिलाऊं, बहू के आ जाने के बाद तो सास फ्री हो जाती है, तेरी सास तो और बिजी हो गई। अब क्या कहें चाची, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। अब ये देखे ना, आप जाओगे पीछे से चाय के बर्तन धोना, ये टेबल साफ करना, और वो देखिए वो कपड़े कहाँ होने चाहिए, कहाँ रखे हैं, ये सब करते करते मेरा सारा वक्त कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। अरे बहू, सेहत का भी ख्याल रखा कर, क्या करेगी सारा दिन काम कर करके। और सरला, बहू आने का मतलब ये नहीं कि उसे नौकरानी बना कर रख दो, काम में हाथ बटाया करो ना तुम और सोनी। ये बोलकर मोहल्ले की चाची चली जाती है। बहू तू बैठ, मैं ये सारा साफ कर देती हूँ बेटा। कहाँ माँ जी, मेरे भाग्य में बैठना लिखा है, अभी छत की नाली जाम हो गई है, अब आप रात के खाने की जिम्मेदारी ले ले तो मैं वो साफ करके आ जाऊँ। अब आसान भी तो नहीं है ना दो तल्ला चढ़ कर जाना, क्यों? अरे चिंता ना कर बहू, तू आराम से जा, मैं रात का सारा खाना बना दूंगी। हाँ वो ना माँ जी, सब्जी दो बनाना, एक सब्जी से ना खाना समझ में नहीं आता। ननद भाभी की सारी चालें देख रही थी, लेकिन करती क्या, बूढ़ी माँ को सारे काम करते देखती और परेशान होती। एक रोज शाम को ननद शीना के पति यानी अपने भाई से बात करती है। भाई, भाभी घर का कोई काम नहीं करती है, सारा दिन बेचारी माँ ही लगी रहती है, और भाभी कभी छत पर तो कभी खिड़की पर फोन पर ही लगी रहती है। सोनी बहन, कैसी बात कर रही हो, यहाँ मोहल्ले की औरतें मुझे रोक रोक कर कहती है कि बीवी बहुत काम करती है। वैसे मैं भी यही सोच रहा था कि माँ हमेशा खाना बनाती है, काम वाली सारा काम करती है, फिर ये कैसे काम के बोझ से दबी जा रही है? क्योंकि भाभी काम करती हैं, लेकिन छोटे छोटे काम की चर्चा खूब करती है। अब बोलो भैया कैसे किया जाए, माँ सारा काम भी करती है और मोहल्ले रिश्तेदारों में बदनाम भी है कि कैसे बहू से सारा काम करवाती है। भैया मैं तो माँ की यह हालत नहीं देख सकती। खैर भाई भी सोचता है कि कोई ना कोई तरकीब निकाली जाए, तभी बुआ सास आ जाती है। अरे क्या हो गया भाई, सुना बहू बहुत काम काजी पाई हो सरला, क्यों ना दो चार दिन रहकर मैं भी बहू की सेवा ले लूं। अरे हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, आओ आओ। वो बहन की ओर देखकर आंख मार देता है, तभी वहाँ शीना आ जाती है। अरे बुआ जी आई है, देखिए ना काम इतना है कि मैं ध्यान ही नहीं दे पाई कि कब डोरबेल बजी। अरे नहीं नहीं दरवाजा खुला था, वैसे क्या काम कर रही थी, किचन में तो शायद माँ है ना। अरे एक काम हो तो बताओ, काम ही काम है, अभी खिड़की के पल्ले साफ करना है, छत में कपड़े सुखाने वाले तार लगाना है,
और मेरे कमरे में ना एक चूहा घुस गया है, उसे भी पकड़ना होगा। हाय रे, मैं तो थक कर कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। ये क्या काम है, ये तो छोटे मोटे काम है जो कोई गिनता भी नहीं है। बस खाना भी तू बनाए और ये सारे काम भी तू करे तो गलत है। भाई सरला भाभी, बहू पर अत्याचार करना ठीक नहीं है। देखो बुआ, अब तो आप यहीं हो, आराम से रहो ना, काम की चिंता क्यों कर रही हो। माँ और भाभी दोनों के काम देख लेना। क्यों भाभी? शीना परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसकी चालाकी दिखने लगी है। वो सोचती है कि कैसे वो बिना काम किए खुद को कामकाजी महिला दिखाए। फिर अगले रोज सुबह 5 बजे उठकर बुआ सास चिल्लाती है, अरे शीना चाय ला, मैं तो नहा कर पूजा कर चुकी हूँ, बहू कहाँ हो? शीना को बुआ की आवाज तो आती है लेकिन वो चुप रहती है। अरे शीना, वो बुआ आवाज दे रही है। अरे पड़े रहो ना चुपचाप, सुबह 5 बजे मेरी पुश्तों में कोई नहीं गया किचन में। बहू जब 12 बजे उठकर कमरे में जाती है तो, अरे क्या बात है बहू, तू तो सुबह से काम करती रहती है, फिर ये क्या 12 बजे? हाँ बुआ जी, कल 3 बजे झाक कर मैं अपनी अलमारी ही साफ करती रही। अरे वाह, ऐसा क्या साफ हुआ है 3 बजे तक, चलो मैं अभी तो देखूं जरा, चलो। अब तो शीना के पसीने ही छूट जाते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन किसी की अलमारी देखना मतलब? अरे किसी की थोड़ी ना है भाभी, आप तो हमारी ही हो। तभी वहाँ पड़ोसन भी आ जाती है जो हर बात पर शीना की सास को ताना दिया करती थी। अरे चाची आओ ना, सही कहा करती हो तुम कि हम भाभी से बड़ा काम करवाते हैं, और नहीं तो क्या, ये सब्जी लाए थे हम बनाकर, सोचा तुम लोगों को तो बहू की चिंता है नहीं तो हम ही बेचारी बहू के कंधे पर बोझ कम कर दें। भाभी फिलहाल किचन में ही है हमारी, वो क्या है ना, शीना तो अभी सोकर उठी है, बता रही है कल रात 3 बजे तक काम किया है इसने। हाँ जी बेचारी बहू बहुत काम करती है। वैसे बेटा क्या कर रही थी कल 3 बजे तक? अलमारी साफ कर रही थी भाभी, हम वही देखने जा रहे हैं उनके कमरे में कि कैसे साफ की है जो 3 बज गए। चलिए ना अभी। सब बहू के कमरे में जाते हैं, जहाँ जैसे ही वो अलमारी का गेट खुलता है सारे कपड़े सर से जमीन पर गिर पड़ते हैं। भाभी ने अलमारी ठीक की थी 3 बजे तक। अरे गाती तो इतना हो बहू मोहल्ले में कि काम करती रहती हो, ऐसा काम करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं काम से बचने के लिए छोटे छोटे काम को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी। शुक्ला जी और उनकी पत्नी ललिता जी का एक ही बेटा विमल था। शुक्ला जी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, उन्होंने किसी तरह मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा इंजीनियर बनाया और धूमधाम से उसकी शादी रिद्धिमा नाम की लड़की से करवा दी। रिद्धिमा बहुत ही पैसे वाले घर की लड़की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही, देखो विमल, मुझे रहने के लिए बड़ा घर चाहिए, मम्मी जी पापा जी का घर बहुत छोटा है, यहाँ मुझे बहुत परेशानी होती है। अरे लेकिन रिद्धिमा, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर भला दूसरी जगह कैसे रह सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो तुम्हारी जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। हाँ बेटा, बहू ठीक ही तो कह रही है। लेकिन मम्मी पापा, मैं आप दोनों को इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अरे विमल बेटा, हम तुम्हें कौन सा अपने से दूर जाने को कह रहे हैं, आसपास एक अच्छा सा फ्लैट ले लो, तुम और रिद्धिमा उसमें सेट हो जाओ। देखो ना विमल, अब तो तुम्हारे मम्मी पापा भी इस बात के लिए तैयार है, फिर तुम्हें क्या परेशानी है? ठीक है रिद्धिमा, मैं तुम्हारे साथ दूसरे फ्लैट में सेटल हो जाऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे हम दोनों मम्मी पापा से मिलने आएंगे। कुछ ही दिनों के बाद रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर के पास ही एक फ्लैट में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन, रिद्धिमा ये 20,000 रुपए है, मुझे ऑफिस में काम ज्यादा है, तुम जरा जाकर मम्मी जी को दे देना। ठीक है। वैसे विमल, क्यों ना हर महीने मम्मी और पापा जी को पैसे मैं ही देकर आया करूं, वो क्या है ना, मुझे उनकी मदद करना मतलब उनका ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्यों नहीं रिद्धिमा, तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना अच्छा सोचती हो, वही बड़ी बात है, अगली बार से उन्हें देने के पैसे तुम ही दे आना। रिद्धिमा दोपहर में वो पैसे लेकर सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी पापा जी,
आप जानते भी हैं, आप लोगों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है। अरे क्या बात है बहू, सब ठीक तो है ना? विमल तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वो तो मेरा ख्याल रखते हैं पापा जी, लेकिन आप लोगों की पैसों की फरमाइश अगर इसी तरह चलती रही तो हम कैसे खुश रह पाएंगे। अरे क्या बात है बेटा, विमल ने तुमसे कुछ कहा क्या? वो क्या कहेंगे, ये 20,000 भेजे हैं आपको देने के लिए। मैं तो कह रही थी कि अगर आपको जरूरत हो तो ये पैसे आप ले, वरना मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करनी थी। अब कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने लिए शॉपिंग कर लो, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी जी, पापा जी, आप वादा कीजिए कि आप विमल को ये बात नहीं बताएंगे। हाँ बेटा, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। रिद्धिमा सारे पैसे लेकर अपने लिए खूब सारी शॉपिंग कर लेती है और विमल को इस बारे में पता भी नहीं चलता। दिन ऐसे ही बीते जाते हैं। विमल जितने भी पैसे रिद्धिमा को अपने मम्मी पापा को देने के लिए देता, रिद्धिमा उसमें से बहुत कम पैसे अपने सास ससुर को देती और बाकी के अपने शॉपिंग और घूमने फिरने पर उड़ा देती। चलो रिद्धिमा, मम्मी पापा से मिलने चलते हैं, उन्हें कुछ पैसे भी देने थे। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। रिद्धिमा और विमल शुक्ला जी के घर आते हैं। माँ ये लो पूरे 30,000, आपके महीने का खर्च अच्छी तरह निकल जाएगा, और आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तो हमारे लिए बहुत है। क्या बात है माँ, इतने दिन से देख रहा हूँ वही पुरानी साड़ी पहनकर रहती हैं। चलिए मैं आपको शॉपिंग करवाने ले जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये साड़ी तो मैंने बस ऐसे ही पहन ली थी। हर महीने तुम इतने पैसे जो भिजवा देते हो, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो ठीक है, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इन दिनों ऑफिस का काम ज़्यादा होने की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसलिए रिद्धिमा को आपके पास भेज देता हूँ। बहू हमारा बहुत ख्याल रखती है बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब विमल अपने ऑफिस चला जाता है तो रिद्धिमा अपने सास ससुर के पास जाती है। मम्मी जी, कल जो 30,000 दिए थे ना आपको, आपको तो उतने पैसों की जरूरत नहीं होगी, तो उसमें से 2,000 रख लीजिए, वो आपके लिए काफी होंगे, और बाकी के पैसे मुझे दे दीजिए। लेकिन बेटा पूरा 1 साल होने आया है, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, खाने पीने की चीजें भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? देखो बेटा, हम विमल को कुछ भी इसलिए नहीं बताते क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे और उसके बीच कोई झगड़ा हो। देखिए पापा जी, अगर आपने विमल को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद अचानक ललिता जी की तबीयत खराब हो जाती है। विमल उन्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से ललिता जी के शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। ये क्या माँ, इसीलिए मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ पापा, मैं आप लोगों का ख्याल रखने के लिए आपके लिए इतने सारे पैसे भेजता हूँ, आप लोग ठीक से कुछ खाते पीते क्यों नहीं? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस बुढ़ापे का शरीर है इसलिए कमजोरी आ गई। नहीं माँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सही तरीके से खाना नहीं खाने की वजह से आपका शरीर इतना कमजोर हो चुका है। माँ अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताइए। बेटा तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ, डॉक्टर ने आपकी कुछ दवाइयाँ लिख कर रखी थी, वही लेने जा रहा हूँ। विमल के जाने के बाद, मम्मी जी और पापा जी ध्यान रखिएगा, विमल आपसे कितना भी पूछने की कोशिश करे लेकिन अगर आपने उन्हें कुछ भी बताया तो फिर ठीक नहीं होगा। बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताने वाले। तभी अचानक वहां पर विमल आ जाता है। अरे आप यहाँ, आप तो दवा लेने गए थे ना? गया तो था लेकिन अपना पर्स भूल गया, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। रिद्धिमा तुम जो मेरे मम्मी पापा से कह रही थी मैंने सब कुछ सुन लिया है। कुछ भी तो नहीं कहा, क्या कहा मैंने? पापा जी
सच सच बताइए, आखिर बात क्या है? बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बहू नाराज हो जाएगी। पापा, अगर आप कुछ नहीं बताना चाहते तो आज रिद्धिमा खुद सारा सच बताएगी। बोलो रिद्धिमा, क्या बात है? कह रही हो या नहीं? मुझे माफ कर दो, तुम जितने भी पैसे मम्मी पापा को देने के लिए देते थे वो सारे पैसे मैंने शॉपिंग और घूमने फिरने में उड़ा दिए और उन्हें बहुत कम पैसे दिए। और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ठीक से खाना तक नहीं खा पाए। हाँ, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो रिद्धिमा, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद रिद्धिमा धीरे धीरे समझ जाती है और अपने सास ससुर का ख्याल रखना शुरू कर देती है। ललिता जी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। विमल अपनी पत्नी के बदले व्यवहार और अपनी माँ की तबीयत ठीक हो जाने की वजह से काफी खुश था।